रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नीतीश कुमार और अन्य दलों पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, कई नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। खास करके अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं से तो परेशान हैं ही, जो लगातार उनके विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके कई पुराने साथी भी अब मुखर होकर के नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए हैं और पुरानी पुरानी बातों को धीरे धीरे अब बाहर निकालने लगे हैं। निश्चित रूप से इन सब बातों से प्रेशर नीतीश कुमार पर बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि पवन वर्मा ने हाल ही में नीतीश कुमार को लेकर के कई ऐसी बातें कही हैं जिसे लेकर के उनकी जमकर किरकिरी हो रही है, चर्चा भी जबरदस्त चल रही है। पवन वर्मा ने आरएसएस और नीतीश को लेकर के कई बातें कही थी जो उन्होंने उनसे अकेले में कही थी। आपको याद होगा कि एक दिन का जो सत्र बुलाया गया था बिहार विधानसभा और विधानमंडल का, उसमें इन्हीं सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। सदन में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने पूछा था कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो मेरे बगल में बैठ करके आप भाजपा और आरएसएस के लिए सब कुछ कहा करते थे और ये भी बताते थे कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और इनसे बिहार को कितना घाटा है। क्या वो सब बदल गया? आपको बता दें कि एक पुराने साथी जो कि काफ़ी कद्दावर नेता हैं और बिहार की राजनीति पे, बिहार के विषय में उनकी पकड़ बहुत बड़ी है क्योंकि उनका अनुभव बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खतरा नहीं है, इन लोगों से देश को बचाना है, ये बातें आप कहते थे। आप कहते थे कि देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा इनके हाथ में रहते हुए, और आज आप इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं। नीतीश ने अपने संबोधन में तेजस्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वैसे पवन वर्मा के बात का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, उल्टे पवन वर्मा को पार्टी से बाय बाय करने के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन जो लोग भी हैं नीतीश कुमार के नज़दीकी और उनके पैरों के नीचे रहने वाले लोग, वो लगातार इस तरह की बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। किस तरह का समाजवादी नेता है नीतीश कुमार, ये बात अब पता चल गई है। ऐसा नहीं कि नीतीश जी आरएसएस या सावरकर की विचारधारा से अपरिचित हैं। ये बातें कहते हुए शिवानंद तिवारी, जो कि नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर के नीतीश कुमार से वो अलग भी हुए थे, उन्होंने एक बार फिर से याद दिलाते हुए नीतीश कुमार से कहा है कि क्या आप नहीं जानते आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा? कम से कम नरेंद्र मोदी के विभाजनकारी व्यक्तित्व से तो वो भली भांति परिचित हैं। एक तो संघ की विचारधारा और दूसरी ओर मोदी की कट्टर व्यक्तित्व, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसको समझ बूझ कर ही तो नीतीश जी एनडीए से बाहर आए थे और इस संकल्प के साथ बाहर आए थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन फिर कभी इनके साथ नहीं जाऊंगा। शिवानंद तिवारी बड़ी तल्ख थे और उसी तल्ख तेवर में वो लगातार नीतीश कुमार का पर हमला करते रहे। इसके बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि आखिर मोदी की गोदी में क्यों जाकर बैठ गए? पवन जी तो उस समय नीतीश जी के साथ ही थे, उनको उस समय क्यों नहीं ऐतराज हुआ? इसके साथ ही पवन वर्मा पर भी वो गुस्साते हैं कि आखिर जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गए तब इन लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया। पवन वर्मा ही नहीं, ऐसे कई नेता हैं जिन पर शिवानंद तिवारी गुस्से में लाल हो जाते हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मोदी जी और अमित शाह तो ईमानदार हैं, तो आखिर उनके इस दर्शन पर क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? इस देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा से परिचित नहीं है आप? प्रश्न करते हुए वो सीधे तौर पर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पले बढ़े ये लोग, इनकी सोच किस तरह की है? यही वो संघ है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की दलाली की थी। सावरकर की हिंदू महासभा 42 में तीन तीन प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। विलक्षण प्रतिभा वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी 42 में बंगाल की सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री थे।
मोदी जी निष्ठापूर्ण संघ की नीतियों के मुताबिक सरकार चला रहे हैं। सावरकर जी का हिंदुत्व कहता है कि उनकी पृष्ठभूमि इस देश से बाहर है, वह इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। नागरिकता कानून में संशोधन तो इसी का ऐलान है। इन लोगों ने कभी हमारे संविधान को मान्यता नहीं दी है। संविधान के विपरीत ये खुलेआम कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी तो इनके निशाने पर मुसलमान हैं, कल दलित आएंगे, परसों पिछड़ा। मोदी जी के सदा स्मरणीय गुरु गोलवलकर जी के इसे छुपाया नहीं है। वर्ण व्यवस्था की उनकी नज़रों में देश ही धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र की व्यवस्था है। वेदों के बाद मनुस्मृति ही हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गुरुजी अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट में सब कुछ लिख कर गए हैं। उसी रास्ते पर ही तो मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सामने अभी नहीं तो कभी नहीं का सवाल है, इसलिए जो भी हैं प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके नीतीश कुमार जी को भी अब प्रायश्चित करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें देश कभी माफ़ नहीं करेगा। आगे कहते हैं शिवानंद तिवारी कि मोदी की गोदी में बैठे नीतीश कुमार उनको अब तक सिद्धांतवादी और सेकुलर दिखाई दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था, जबकि जिस दिन दोबारा महागठबंधन से एनडीए के तरफ नीतीश कुमार गए, उसी दिन ये बात स्पष्ट हो चुका था कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं और किसी हद तक अपनी आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने बड़े तल्ख अंदाज में ये कहा है, और इसके बाद से निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया जदयू और बीजेपी की तरफ से आती है। शिवानंद तिवारी ने तो एक बड़ा हमला कर दिया है, और इस हमले के बाद देखिए कि क्या कुछ निकल करके आता है। जैसे ही कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019 शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।